गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम दे दिया, ऑनलाइन आपने एग्ज़ाम दिया। बहुत बच्चों ने एग्ज़ाम अच्छा दिया, लेकिन कुछ बच्चों ने अधूरा एग्ज़ाम दिया। कुछ बच्चों का पीडीएफ सही नहीं आया, यानी पीडीएफ आप सही से बना नहीं पाए, इस कारण आपके आधे मार्क्स कट गए। और कुछ बच्चों ने चोरी भी की, क्योंकि किताबें सबके सामने में खुली हुई भी मिली, तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि आप घर से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप बुक से देख करके लिखें। आपको खुद से लिखना था, तो आइंदा ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये भी आपके सीखने का समय है। आप जो भी कीजिए ईमानदारी से कीजिए। तो ठीक है बच्चों, आगे हम अब अपना सिलेबस शुरू करते हैं। आज हम एक नए चैप्टर्स को लेकर के आए हैं। ये चैप्टर नंबर 17 आज हम पढ़ेंगे, शैतान बच्चा, क्योंकि अब हमें फाइनल की भी तैयारी करनी है। तो हाफ ईयरली में जो आपने गलती की, प्लीज़ उसे आप मत दोहराइएगा, यानी आप किसी प्रकार की चोरी नहीं कीजिएगा, पीडीएफ आप सही बनाइएगा, आप सीख लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम आपने एक बार दे दिया तो अब तक आप सीख गए होंगे, तो फाइनल में ये गलती नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम पहले कहानी को पढ़ते हैं और फिर उसे समझते हैं। एक घनी जंगल के पास एक बकरी रहती थी। उसके 3 बच्चे थे, वे भी अपनी माँ के साथ रहते थे। वे उसके साथ ही बाहर जाते थे। एक दिन बाहर जाते समय बकरी ने अपने बच्चों को समझाया, देखो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम सब घर में ही रहना, बाहर मत जाना। यहाँ एक बकरी की चर्चा की जा रही है कि एक बकरी जंगल में अपने बच्चों के साथ रहती थी। जब वह बाहर जा रही थी तो वह अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे थे उसके, 3 बच्चे थे, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 बच्चे थे, तो वह अपने छोटे बच्चों को मना करती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, इसलिए तुम लोग बाहर मत निकलना, क्योंकि हो सकता है जंगल में और भी भयानक जानवर हो सकते हैं जो तुम्हें खा जाएंगे, इसलिए तुम बाहर मत निकलना। लेकिन उन 3 बच्चों में जो सबसे छोटा मेमना था वह बहुत शैतान था। जैसे ही उसकी माँ बाहर निकली, वह भी अपनी माँ के पीछे पीछे वह चल दिया। तो बकरी का सबसे छोटा बच्चा बहुत शैतान था। वह छिपकर माँ के पीछे पीछे घर से बाहर चल दिया। थोड़ी ही दूर पर एक झरना था, उसके किनारे हरी भरी झाड़ियाँ थीं। वह वहाँ पर कोमल कोमल पत्तियाँ खाने लगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वह छोटा मेमना जो है वह भी अपनी माँ के पीछे पीछे चल देता है और दूर एक झरना तक पहुँच जाता है। उस झरना के पास कुछ हरी हरी घास थी, वह उन्हें खाने लगता है, उन कोमल पत्तियों को खाने लगता है और उस झरने के आसपास ही वह घूमने लगता है। कुछ देर बाद झरने के किनारे पर एक भेड़िया आया। भेड़िए ने उस बच्चे को देखा तो मन में सोचा, वाह कितना प्यारा बच्चा है, आज इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। वह धीरे धीरे बच्चे की ओर बढ़ने लगा। भेड़िए को देखकर बच्चा डर गया, वह कुछ बोल भी ना सका, भेड़िया समझ गया। तो यहाँ पर हम चित्र में भी देख रहे हैं कि झरने के पास यह छोटा मेमना जो है हरी हरी घास को, सॉरी पत्तों को वह खा रहा है। तब तक एक भेड़िए की नज़र उस छोटे मेमने पर पड़ती है और वह उसे खाने के ख्याल से उस तक पहुँच जाता है। वह सोचता है कि वह आज तो मुझे अच्छा भोजन मिल गया है, आज मैं इस छोटे से मेमने को खाऊंगा, क्योंकि यह छोटा सा मेमना है अतः इसका मांस भी बहुत कोमल कोमल होगा। वह जैसे ही भेड़िया मेमने के पास पहुंचता है, मेमना डर जाता है,
क्योंकि वह छोटा भी है और वह अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन करके बाहर घर से निकला है और वह पहली बार इस तरह से निकला है। उसे जंगल का इतना आइडिया भी नहीं है कि वह इन भयानक जानवरों का सामना कर सके, इसलिए वह डर भी जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं चित्र में, यह मेमना जो है भेड़िए को देख करके डर गया है और भेड़िया यह समझ गया कि मेमना उसे देखकर डर गया है। तो अब देखते हैं कि भेड़िया उसे क्या कहता है। भेड़िया कहता है, खाओ प्यारे बच्चे, डरो नहीं, आज मैंने भी कुछ नहीं खाया है, तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। यानी भेड़िया कह रहा है, तुम पहले खाना खा लो और मुझे देखकर डरो नहीं, तुम पहले इन पत्तियों को खा लो और मैं तुम्हें खा लूँगा, तो मेरी भी भूख मिट जाएगी और तुम भी, तुम्हारी भी भूख मिट जाएगी। बकरी का बच्चा डर से कांपने लगा। यह सुनते ही बकरी का बच्चा जो है बहुत ही डर गया कि अब मैं क्या करूं। पर जल्दी ही उसने अपने को संभाल कर कहा, मामा मैं अभी बहुत छोटा हूं, मुझे खाकर आपका पेट नहीं भरेगा। अब यहाँ पर देखिए मेमनी की समझदारी कितनी समझदार, कितना समझदार था वह छोटा मेमना। वह अपने आप को डर से तो कांपने लगा है, लेकिन फिर भी अपने आप को किसी प्रकार से संभालते हुए सबसे पहले उसने उस भेड़िए को मामा शब्द से संबोधित किया। यानी उसे, उसने भेड़िए को मामा शब्द रिश्ते में बांध लिया, अपनी माँ के भाई के रूप में उस रिश्ते से वह उसे भेड़िए को संबोधित करता है और कहता है कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मुझे खाकर आपका पेट नहीं भरेगा। मामा मैं अभी बहुत छोटा हूँ, अगर आप मुझे खा भी लीजिएगा तो आपका पेट नहीं भरेगा। भेड़िया बोला, मुझे तुम्हारे जैसे कोमल बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। अब भेड़िया कह रहा है कि मुझे तुम्हारे जैसे छोटे यानी नरम बच्चे जो हैं वह बहुत ही अच्छे लगते हैं, तुम छोटे हो तो तुम्हारा जो मांस होगा वह भी बहुत कोमल कोमल होगा। बकरी का बच्चा थोड़ी देर चुप रहा, फिर साहस करके बोला, मामा मुझे पहले एक मीठा गाना सुना दो, फिर जो इच्छा हो वह करना। अब यहाँ पर फिर मेमनी की समझदारी को आप देखिए, वह डर तो गया है लेकिन फिर साहस बटोरते हुए वह कहता है कि मामा, यानी वह भेड़िए को संबोधित कर रहा है, आप मुझे पहले एक मीठा गाना सुना दीजिए और अगर आप मुझे खाना ही चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर खा लीजिएगा, लेकिन उसके पहले मेरी भी तो इच्छा पूरी कर दीजिए, यानी कि आप मुझे एक मीठा सा गाना सुनाइए। भेड़िए को हंसी आ गई, खुश होकर बोला, पर मुझे तो गाना नहीं आता। अब मेमनी की बात सुनकर भेड़िया हंसने लगा और वह कहता है कि मुझे गाना गाना तो नहीं आता। बच्चे ने फिर कहा, पर मेरी माँ तो आपके गाने की बड़ी प्रशंसा करती है। यहाँ समझदारी से काम लेते हुए वह मेमना कहता है कि मेरी माँ तो अक्सर आपका नाम लिया करती है हम लोगों के सामने और आपकी काफ़ी प्रशंसा भी करती है कि आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। भेड़िया खुशी से फूल उठा, वह ऊंची आवाज़ में गाने लगा। कुछ दूरी पर शिकारी कुत्ते जा रहे थे, भेड़िए की आवाज़ सुनकर वे उसकी ओर दौड़ पड़े। अब यह बात सुनकर भेड़िया इतना खुश हो गया कि वह जोर जोर से गाने लगा और उसकी ऊंची आवाज़ को सुनकर कुछ दूरी पर कुछ शिकारी कुत्ते वहाँ जंगल में जा रहे थे, वे भेड़िए की जब आवाज़ सुनते हैं बस उसके पास वे शिकारी कुत्ते जो हैं उसकी ओर आने लगते हैं, यानी भेड़िए की ओर आने लगते हैं। भेड़िया आंखें बंद किए मस्ती से गा रहा था, कुत्ते पास आ पहुँचे, उन्हें देखकर भेड़िया सकपका गया। वह भागना चाहता था पर कुत्तों ने झपट कर उसे दबोच लिया। मौका देखकर बकरी का बच्चा तेजी से घर की ओर भागा। यहाँ आप देख रहे हैं किस प्रकार यह भेड़िया गाना गा रहा है चित्र में आप देखिए, और इधर से कुछ शिकारी कुत्ते जो हैं उसके गाने की आवाज़ को सुनकर दौड़े चले आ रहे हैं। यानी इस मेमनी ने समझदारी से काम लिया, उसने भेड़िए को गाना गाने कहा और जैसे ही वह गाना गाने लगा खुश होकर, वहाँ से
कुछ शिकारी कुत्ते आ गए भेड़िए की आवाज़ सुनकर और उसकी ओर उसे झपटने के लिए दौड़ने लगे। और आप सभी अगर नहीं जानते, कुत्ते को देखते ही भेड़िया जो है वह डर जाता है और उन शिकारी कुत्तों को देखते ही वह भेड़िया डर गया और वह वहाँ से भागने लगा। अब ये शिकारी कुत्ते और भेड़िए ये दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, यानी ये शिकारी कुत्ते उसे झपटना चाह रहे हैं, भेड़िया वहाँ से भागना चाह रहा है, और इन दोनों के बीच यह मेमना जो है अपना काम कर जाता है। वह जल्दी से वहाँ से, देखिए आप, सरपट वहाँ से भाग रहा है, यानी वह किसी तरह उन दोनों को आपस में आमने सामने देखकर वह अपना काम निकाल लेता है, यानी वह वहाँ से भाग खड़ा होता है। आगे हम देखते हैं क्या होता है। तब तक बकरी भी लौट आई थी, वह परेशान थी। बच्चे ने सारी बातें बताई। बकरी ने कहा, बेटा, अच्छे बच्चे सदा माँ बाप का कहना मानते हैं। बच्चा माँ से लिपटकर बोला, माँ, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह मेमना जो है भागकर अपने घर पहुँच जाता है। उसकी माँ भी तब तक वहाँ उसके अपने घर पहुँच चुकी है। जब वह दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास पहुँचता है तो उसकी कुछ जान में जान आती है और वह जल्दी जल्दी अपनी आप बीती अपने भाई बहनों को सुनाता है और अपनी माँ को सुनाता है। तब उसकी माँ कहती है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वे माँ बाप का कहना मानते हैं, तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हारे साथ ये परेशानी आई। आज की बात से तुम अपने माँ बाप की बात ज़रूर मानना, क्योंकि मुसीबत, माँ बाप की बात नहीं मानने पर इंसान कभी कभी मुसीबत में भी पड़ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चा माँ से लिपटकर बोला, माँ, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। फिर वह माँ की बात को समझ लेता है कि आखिर माँ उसे क्यों बाहर जाने के लिए रोक रही थी, उसकी भलाई के लिए ही उसे बाहर जाने के लिए रोक रही थी। फिर वह अपनी माँ के सामने कहता है कि माँ, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, मैं आप लोगों की बात मानूँगा। और वह उसकी आँखें आंसुओं से भरी हुई थी, यानी उसकी उसे अपनी गलती पर पश्चाताप हो रहा था। लेकिन अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस लौट आता है तो वह भूला नहीं कहलाता। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और आगे अपनी माँ की बात को मानने का वचन भी दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ कठिन शब्दों को रेखांकित किया है, इसे आप अपनी क्लासवर्क कॉपी में लिख लेंगे। जैसे जंगल, शैतान, छिपकर, हरी भरी झाड़ियाँ, कोमल पत्तियाँ, भेड़िया, मिटाऊंगा, जल्दी, संभाल कर, साहस, प्रशंसा, खुशी, शिकारी, मस्ती, सकपका, यानी सकपकाने का अर्थ होता है डर जाना या घबरा जाना, यहाँ दबोच। फिर आगे है परेशान, गलती, आँखें और आंसुओं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, चंद्रबिंदु और अनुस्वार यहाँ पर ठीक से लगाना है। कुछ शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, जैसे शैतान, शैतान का अर्थ होता है बुरा या दुष्ट, या हम शरारती भी कह सकते हैं। प्रशंसा, प्रशंसा का अर्थ होता है बड़ाई। कोमल, कोमल का अर्थ होता है मुलायम। सकपकाना, सकपकाना का अर्थ होता है चकित होना, या हम घबरा जाना भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये कठिन शब्द और शब्दार्थ आप अपनी क्लासवर्क कॉपी में लिख लीजिएगा और शब्दार्थ को आप याद भी कर लीजिएगा। आप अपने नोट्स ठीक से बनाइएगा, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और सभी बच्चे अपने अपने नोट्स बनाएंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।